faccia che ho fatto nello specchio di quest'altro te. Perciò, caro. आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर के सभी रेजिडेंस चिकित्सक रविवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर गए हैं। उनके समर्थन में सोमवार को संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल के रेजिडेंस चिकित्सकों ने भी सुबह 8 से 10 बजे तक 2 घंटे कार्य का बहिष्कार किया। चिकित्सकों ने बताया कि सभी चिकित्सक गत दिनों उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में एक एएसआई द्वारा मारपीट करने वाले 3 रेजिडेंस चिकित्सकों के समर्थन में हड़ताल पर उतरे हैं। इधर रेजिडेंस डॉक्टर्स ने पूरे प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। इधर रेजिडेंस डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने के बाद चिकित्सालय के अधीक्षक और कॉलेज प्राचार्य ने सीनियर डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई है और सभी के राउंड ऑफ द क्लॉक ड्यूटी नियुक्त की है। इधर प्रदेश के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया पुलिस के साथ है और कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। जैसा कि कथित प्रकरण सबके नॉलेज में है कि उदयपुर में पिछले दिनों 14 तारीख को जिस तरह से ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स को उन्हीं के कैंपस में पुलिस द्वारा जो एक एएसआई और उनके साथियों द्वारा जिस तरह से मारपीट की गई, धमकाया गया और एनकाउंटर की धमकी देने के बाद में प्रताड़ित किया जा रहा है, इवन उनके डॉक्टर्स के परिवार को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके बाद में पिछले कई दिनों से वो शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे तथा मांग कर रहे थे कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, लेकिन जो वहाँ के उच्च अधिकारी हैं, लोकल प्रशासन है, उन्होंने इस चीज़ को गंभीरता से ना लेते हुए एकतरफा कार्यवाही जारी रखी और मजबूरन उदयपुर को कल मॉर्निंग से स्ट्राइक पर जाना पड़ा कम्प्लीटली। तो उनके सपोर्ट में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन अपना सपोर्ट जारी करती है मीडिया के माध्यम से और सरकार से आग्रह करती है कि इस मैटर में तुरंत प्रभाव से निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कठोर एक्शन लिया जाए और जो पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं जो जांच को प्रभावित कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाए। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।